हेलो व्यूअर्स, मैं सुप्रिया रोहन आप सभी को ShafTech के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आप लोग जो वीडियो देखेंगे वो है कैसे CMC Vellore के लिए डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ऑनलाइन पे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक बात याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद जो बेल आएगा उस बेल को क्लिक कीजिए ताकि इस चैनल पे अपलोड किया नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ओपन कीजिए google.com या कोई भी सर्च इंजिन और उस पर सर्च कीजिए CMC Vellore। सर्च बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो रिजल्ट आएगा उसमें से आपको मिलेगा www.cmca-vellore.edu। यहाँ पर आप क्लिक कीजिए या सीधे ऑनलाइन बुकिंग जो ऑप्शन है ऑनलाइन बुकिंग ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर CMC Vellore पे क्लिक करता हूँ। CMC Vellore पे क्लिक करने के बाद ही आपके सामने CMC Vellore का जो होम पेज होगा वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा आप कौन सा कैटेगरी पे पढ़ते हैं। आप पेशेंट है ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हैं तो ए पेशेंट पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा बुक एन अपॉइंटमेंट। तो चलिए हम लोग अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए इस पेज को ओपन किए हैं तो बुक एन अपॉइंटमेंट पे क्लिक करते हैं। अगर आप चाहते हैं मोबाइल ऐप से भी अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो CMC Vellore का एक मोबाइल ऐप है, उसके जरिए भी आप ये बुकिंग कर सकते हैं। मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक हेयर पे क्लिक कीजिए या यहाँ पर दिया गया जो QR कोड है QR कोड को स्कैन करके भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल ऐप और वेबसाइट दोनों का ऑप्शन सेम ही रहेगा। अब बुकिंग के लिए बुक एन अपॉइंटमेंट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर एक नया पेज ओपन होगा। अगर आप ऑलरेडी Vellore जा चुके हैं तो आपके पास पेशेंट आईडी होगा, पेशेंट आईडी के द्वारा आप लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार CMC जा रहे हैं तो नीचे दिया गया न्यू पेशेंट फर्स्ट टाइम टू CMC इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। CMC Vellore के ऑनलाइन बुकिंग के लिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। बुकिंग करते समय अपना नाम सही डालें और अपना उम्र यानी कि ईयर ऑफ बर्थ यानी जिस साल पे आप जन्मे थे उस साल सही डालें। ये लीगल डॉक्यूमेंट के लिए जरूरी है। उसके बाद नीचे दिया गया जो चेकबॉक्स है उस चेकबॉक्स को सिलेक्ट कीजिए और नीचे दिए गए जो पॉसिट बटन है उसे क्लिक कीजिए। अब आप लोगों को सामने एक फॉर्म ओपन होगा जिसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी कहा जाता है। इस फॉर्म को भरिए बारीकी से। ऑनलाइन बुकिंग के लिए चार स्टेप होता है, रजिस्ट्रेशन, बुक के स्लॉट, पेमेंट कॉन्फर्मेशन और अपॉइंटमेंट प्रिंट। तो चलिए सबसे पहला है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन को पूरा करते हैं। सबसे पहले डाल देते हैं पेशेंट इनिशियल, मिस्टर, मिसेस, मिस, डॉक्टर या कुछ भी हो वो डाल दीजिए। उसके बाद डालिए पेशेंट का नाम, जो पेशेंट का नाम है वो यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद डालिए पेशेंट मेल है या फीमेल, उसे सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद उनका डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म का तारीख यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, सिंगल, मैरिड, डिवोर्स, विडो है कि नहीं वो डाल दीजिए यहाँ पर। उसके बाद नेशनलिटी, जिस देश के पास ही ना होंगे वो सिलेक्ट कीजिए यहाँ से। उसके बाद रिलीजन, आपका धर्म कौन सा है वो यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद पेशेंट ऑक्यूपेशन यानी कि पेशेंट कौन सा काम करता है, यहाँ पर जो लिस्ट है उस लिस्ट से आप सिलेक्ट कर लीजिए कौन सा काम करता है और उसे दे दीजिए। उसके बाद उनका माताजी या पिताजी या उनका जो हस्बैंड है हस्बैंड का नाम यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर फादर, मदर या हस्बैंड का नाम दे देने के बाद उसके पास का जो ऑप्शन है वो है रिलेशनशिप यानी कि पेशेंट के साथ उनका क्या संपर्क है वो यहाँ पर डाल दिया जाएगा। उसके बाद डालना पड़ेगा पेशेंट का एड्रेस, पेशेंट का जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर डाल दीजिए। एक के बाद एक जितने भी ऑप्शन है उसे पूरा कीजिए। ये लीगल डॉक्यूमेंट के लिए आवश्यक होता है। अपना देश सिलेक्ट कीजिए कौन सा देश के आप हैं। उसके बाद राज्य सिलेक्ट कीजिए कौन सा राज्य से आप है वो सिलेक्ट करें। मैं यहाँ पर वेस्ट बंगाल सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर नीचे चलाइए, आप सिलेक्ट कीजिए डिस्ट्रिक्ट यानी कौन सा जिला से आप है वो सिलेक्ट कीजिए, आपका जिला सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद तालुका सिलेक्ट कीजिए। तालुका सिलेक्ट करने के बाद अपना पिन कोड डालिए, आपका एड्रेस का जो पिन कोड है वो पिन कोड यहाँ पर डाल दीजिए। अब यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे ईमेल एड्रेस भी डाल दीजिए। जितने भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होंगे उसका सारा जो रिसिप्ट होगा वो आपके ईमेल एड्रेस में भेज दिया जाएगा।
सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो फिलअप कर देने के बाद नीचे दिया गया जो सबमिट बटन है, सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। प्रोसीड बटन पे क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपको एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड दिया जाएगा। ये यूजर आईडी और पासवर्ड आप नोट करके रख दीजिए। आप यहाँ पर दो तरीके से आप डॉक्टर दिखा सकते हैं, एक प्राइवेट कैटेगरी और एक जनरल कैटेगरी। प्राइवेट कैटेगरी पे फीस पड़ता है 810 रुपये और जनरल कैटेगरी पे 220 रुपये। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा डिपार्टमेंट और क्लिनिक। सबसे पहले आप जान लीजिए आपका क्या बीमारी और आपको कौन सा डिपार्टमेंट आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आप हड्डियों की बीमारी है तो आप ऑर्थो में दिखाएंगे, अगर हार्ट का प्रॉब्लम है तो हार्ट पे दिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप अपना डिपार्टमेंट सिलेक्ट कीजिए, जिस डिपार्टमेंट पे आप दिखाना चाहते हैं पेशेंट को उसे सिलेक्ट कीजिए। उस डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करते यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कौन सा मेजर कारण है जिसके लिए इस डिपार्टमेंट आप दिखाएंगे और इसका सिम्टम क्या है और इसका डायग्नोस क्या है। यहाँ पर दिया गया सिम्टम्स डायग्नोस अगर पेशेंट के साथ मिल जाता है तो आप इसे सिलेक्ट कीजिए और नीचे दिया गया जो ओके बटन है ओके बटन पर क्लिक कीजिए। अब नीचे दिए गए जो क्लिनिक लिस्ट है क्लिनिक लिस्ट से क्लिक सेलेक्ट कीजिए। अगर क्लिनिक सेलेक्ट करने में दुविधा होता है तो साइड में दिया गया जो ग्रीन बटन है ग्रीन बटन पर क्लिक कीजिए। क्लिनिक सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको दिया रहेगा एक क्लिनिक हफ्ते में कौन कौन सा दिन काम करता है। अब दो तरीके से आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, एक है बाय डॉक्टर और बाय डेट। आपके सुविधा के मुताबिक डॉक्टर या डेट सिलेक्ट कीजिए। ऑनलाइन पे बुकिंग शुरू होता है वर्तमान डेट से लेकर अगले 90 दिन तक का। उस डेट पे अगर बुकिंग अवेलेबल है तो ही आप बुक कर सकते हैं उस डेट पे या उस डॉक्टर को। अगर आप तारीख के द्वारा अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं चूज बाय डेट जो ऑप्शन है उसे सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद जिस महीने पे आप बुक करना चाहते हैं उस महीने को सिलेक्ट कीजिए और जितनी भी डेट अवेलेबल है ब्लू कलर का उसे सिलेक्ट कीजिए और चेक कीजिए उस डेट पे कोई अवेलेबल बुकिंग है या नहीं। जिस डेट को यहाँ पर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उस डेट पे अगर बुकिंग अवेलेबल नहीं है तो आप क्लिनिक चेंज कीजिए। यहाँ पर क्लिनिक से जाके क्लिनिक चेंज कीजिए और उसके बाद वही डेट को आप सिलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पर आपको अवेलेबल डॉक्टर का लिस्ट दिया जाएगा और साइड में बुक नाउ ऑप्शन रहेगा। जिस डॉक्टर को आप बुक करना चाहते हैं उसके साइड पे दिए गए जो बुक नाउ ऑप्शन है उस बुक नाउ ऑप्शन पे क्लिक करके उनका अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। अब बुक नाउ ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। बुक नाउ ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक मैसेज दिखाई देगा कि आर यू श्योर टू फिक्स एन अपॉइंटमेंट ऑफ डॉक्टर नेम और तारीख यहाँ पर दिखाई देगा। अगर है तो ओके पे क्लिक कीजिए। ओके पे क्लिक करने के बाद ऑनलाइन पेमेंट के लिए एक पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर पेमेंट मोड पे जाइए और उसे सिलेक्ट कीजिए किस तरीके से आप पेमेंट करना चाहते हैं, कार्ड से या नेट बैंकिंग से। अगर कार्ड से करना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड सिलेक्ट कीजिए और नीचे दिया गया जो प्रोसीड टू पेमेंट उसे क्लिक कीजिए। यहाँ अमाउंट सेक्शन पे दिया रहेगा आपको कितना पेमेंट करना है। प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक पेमेंट गेटवे का पेज आएगा जहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा किस तरीके से आप ये पेमेंट करना चाहते हैं। अगर आप HDFC बैंक का ग्राहक है तो आप HDFC क्रेडिट कार्ड या HDFC डेबिट कार्ड ऑप्शन चूज कीजिए। अगर आप अन्य किसी बैंक का ग्राहक है तो अदर बैंक का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ऑप्शन चूज कीजिए जिसके जरिए आप पेमेंट करना चाहते हैं। अन्य किसी बैंक का ATM कार्ड है इसलिए मैं अदर बैंक डेबिट कार्ड सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपका कार्ड का जो नंबर है उसे डालिए, आपका नाम डालिए, उसके बाद बाकी जो इन्फॉर्मेशन कार्ड का उसे डालिए, उसके बाद कैप्चा कोड डालिए और नीचे दिया गया जो पे बटन है पे बटन पे क्लिक कीजिए। पे बटन पे क्लिक करने के बाद आपके बैंक पे पंजीकृत जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पे एक SMS भेजा जाएगा जिसमें एक OTP होगा। उस OTP को यहाँ पर डाल दीजिए और नीचे दिया गया जो सबमिट बटन है सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। पेमेंट हो जाने के बाद यहाँ पर दिखा रहा है प्लीज वेट, हम लोग कार्ड के द्वारा जो पेमेंट किए थे वो कंप्लीट हो चुका है और हम लोग का अपॉइंटमेंट भी बुक हो चुका है। अपॉइंटमेंट बुक हो जाने का सूचना आपके मोबाइल पे SMS के द्वारा और आपके पंजीकृत ईमेल एड्रेस पे ईमेल के द्वारा भेज दिया जाएगा। और आप अगर देखना चाहते हैं यहाँ पर जो बटन दिया गया व्यू अपॉइंटमेंट डिटेल उसे क्लिक करके भी आप इसे देख सकते हैं और इसे प्रिंट भी कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हमने क्लिक किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग का जो अपॉइंटमेंट है वो अपॉइंटमेंट भी बुक हो चुका है और यहाँ पर सारे डिटेल दिया गया है कि तारीख को आपका अपॉइंटमेंट है, कब अपॉइंटमेंट है और कहाँ आपको जाना पड़ेगा। इस अपॉइंटमेंट का एक कॉपी आप प्रिंट कर लीजिए और अपने पास रख दीजिए। आपका सारा जो इन्फॉर्मेशन यानी कि अपॉइंटमेंट का हिस्ट्री के पेमेंट का हिस्ट्री सारा जो हिस्ट्री है वो यहाँ पर आपका जो अकाउंट है इस अकाउंट पे रहेगा। आप जब भी चाहते हैं तो इसे देख सकते हैं। फिर आपको भेजा गया जो यूजर आईडी और पासवर्ड है उस यूजर आईडी और पासवर्ड से आपको दोबारा यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। तो आपने देखा कितने आसानी सीएमसी वेलोर के लिए आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और इतने दिन तक मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।